बिहार में विवादों के बाद तेज प्रताप यादव फिर एक्शन में हैं। आज वो जनता दरबार पहुंचे तो खूब नारे लगे। तेज प्रताप यादव के निशाने पर नीतीश रहे तो कांग्रेस के लिए तारीफ। हमारे संवाददाता रोहित सिंह ने तेज प्रताप से बात की। पारिवारिक समस्या से जूझ रहे आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव पिछले दो महीने से राजनीति से दूर थे, लेकिन अब एक बार फिर से राजनीति में सक्रिय एंट्री तेज प्रताप यादव की हो चुकी है और आज से वो लगातार नियमित तौर पर आरजेडी दफ्तर में जनता दरबार लगा रहे हैं। जो आप तस्वीरें अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पर तेज प्रताप यादव सुबह 10 बजे से ही बैठे हुए हैं, उन्होंने जनता दरबार लगाया हुआ है और ये तेज प्रताप का वही अंदाज़ है जो लालू प्रसाद का भी अंदाज़ हम लोगों ने देखा है, कैसे वो लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं लगातार। और आज तेज प्रताप यादव भी अपने पिता की ही तरह उनके तर्ज पर यहां हम देख सकते हैं कि आरजेडी दफ्तर में जनता दरबार लगाए हुए हैं और लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, उनका निदान करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। तो पिछले दो महीने से हमने देखा था किस तरीके से विवाद उनका चल रहा था, थोड़ा परिवार में मुश्किलों का दौर चल रहा है, पत्नी से तलाक का वो केस भी लड़ रहे हैं, इस वजह से वो पटना से काफ़ी दिनों तक दूर भी रहे, लेकिन अब एक बार फिर सक्रिय राजनीति में वापसी कर रहे हैं तेज प्रताप यादव और यहां पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे। तेज, आप जनता दरबार आज से लगा रहे हैं, वजह क्या है? वजह है लोगों का समस्या, जिस तरीके से लोग का जो समस्या है पूरे देश भर में या खासकर पूरे बिहार में पटना में तमाम लोगों का जो समस्या है उसका निदान कैसे किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सुशासन की सरकार, देखिए नीतीश कुमार जी बोलते हैं सुशासन की सरकार, ना कहीं फेलियर हो चुके हैं सरकार। पिता के दर्द पर आप भी अब जनता दरबार लगा रहे हैं, पिता भी आपके लोगों की समस्याएं सुनते हैं। अब जो पिता करते थे वो तो करना पड़ेगा ना, उसको तो फॉलो करना पड़ेगा, हम कर रहे हैं जनता दरबार, बताइए ना आप कर लेते हैं। इधर नियमित तौर पर चलेगा आगे भी? नहीं, हाँ नियमित तौर पर चलेगा। तो तेज प्रताप नियमित तौर पर अब जनता दरबार लगाएंगे और पिता की तरफ वो कह रहे हैं जो पिता करते थे उस कदमों पर वो भी चलेंगे। तो जाहिर तौर पर तेज प्रताप यादव एक बार फिर से बिहार की राजनीति में सक्रिय एंट्री करने के मूड में दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।